अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको पास्ता बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी बताऊंगी। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पास्ता एक प्याली, चिकन एक प्याली, 2 से 3 अदद आलू दरमियाने साइज के जिनको हमने चकोर शक्ल में और डिफरेंट शेप में काट लिया है, शिमला मिर्च एक अदद, बंद गोभी छोटे साइज में एक अदद जिसको हमने चॉप कर लिया है, मटर चाहिए एक प्याली जिसको हमने बॉयल कर लिया है, फिर 1 से 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज जिनको हमने चॉप कर लिया है, 3 से 4 अदद गाजर जिनको हमने चॉप कर लिया है, सब्ज मिर्च 3 से 4 अदद, नमक हसबे जायका, काली मिर्च हसबे जायका 1 चम्मच, लहसुन और अदरक का पेस्ट, गार्निश के लिए हमें चाहिए धनिया, इसके अलावा हमें चाहिए टमाटो केचप या कोई भी आप चिली गार्लिक सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हमें चाहिए सोया सॉस। इसके अलावा हमें यूज करना है इसमें ऑलिव ऑयल या आप कोई भी नॉर्मल सा ऑयल यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एक देच के लिए उसमें पानी डालें और उसको बॉयल करें जिसमें हमने अपने पास्ता जो है उसको कुक करना है, और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और ऑयल ऐड करेंगे जिससे जो है पास्ता है वो आपस में जुड़ेगा नहीं बल्कि अलग अलग रहेगा। पानी हमारा बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून ऑयल। 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ऑयल, आप ऑयल कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें पास्ता जो है वो कुक करेंगे, और इसको 9 से 10 मिनट तक जो है वो कुक करेंगे। तेजकी में 1/2 प्याली ऑयल डालें और अब हम इसमें चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे पास्ते के लिए। हमारे चैनल पाक ट्यूब को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स करें, और आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज जो है वो कैसे लग रही हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन को हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमारे चैनल पाक ट्यूब को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स करें, और बताएं कि आपको हमारी वीडियोस जो है वो कैसी लग रही हैं। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ग्रुप भी है और पेज भी है। पास्ता जो है वो हमारा कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर इसको अपने घर में ट्राई कीजिएगा। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन की जो पेस्ट बनाई है 1 चम्मच वो डालेंगे, 1 टेबल स्पून पेस्ट बनाई है डाल दिया। अब हम इसमें अभी कुछ नहीं शामिल करेंगे, इसको अदरक और लहसुन की पेस्ट में फ्राई करेंगे इसके तरीके से। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप घर में बहुत ही मज़ेदार पास्ता जो है वो बना सकते हैं। लहसुन और अदरक की पेस्ट में फ्राई करने के बाद अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे, 1 प्याली जो हमने चॉप किया हुआ है, और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी जो है वो कैसी लगती है। बहुत ही मज़ेदार सी और यम्मी सी इसकी लुक आ रही है। इसमें फ्राई करने के बाद हम इसमें बंद गोभी जो हमने काटी हुई है 1 प्याली वो डालेंगे, एक प्याली शिमला मिर्च हमने कटिंग की हुई है पहले ही, और इसको फ्राई करेंगे। बच्चे ये बहुत शौक से खाते हैं, आप जरूर इसको अपने घर में ट्राई कीजिएगा।
दो से तीन अदरक चॉप किए हुए दरमियाने साइज के टमाटर, ग्रीन मिर्च, अब हम इसमें शामिल करेंगे मटर, आलू और गाजरें और इनको भी फ्राई कर लेंगे। शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून काली मिर्च और इसको अच्छी तरह से टेबलस्पून इसमें हम केचप शामिल करेंगे या पास्ता सॉस मिलती है आप वो भी शामिल कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। 2 से 3 मिनट केचप में अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लें। अब हमने जो पास्ता कुक किया हुआ है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। एक लेमन जो है उसको स्प्रिंकल कर दें अच्छे तरीके के साथ और इसको मिक्स कर लें। 5 मिनट हमने इसको स्टीम दिया है। अब हम इसका कवर उतारेंगे और आप देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्ती इसकी लुक आ रही है। आप जरूर इसको अपने घर में ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। हमारा बहुत ही मजेदार सा पास्ता जो है वो रेडी हो चुका है। हमारे चैनल पर आप क्यूब को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स करें और बताएं कि आपको हमारी वीडियोस जो है वो कैसी लग रही है। नए व्यूअर्स, हमारा जबरदस्त सा गर्मा गर्म पास्ता जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसे जरूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये पास्ता बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को जरूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बना के दीजिएगा, बच्चे इसको